जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले आप जिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऊंचा, पर्वत, प्रचंड, मुख्य। तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन जो ए है आपका ऊंचा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तुंग का पर्यायवाची शब्द ऊंचा है, पर्वत का पर्यायवाची पहाड़, गिरी, प्रचंड का पर्यायवाची भीषण, भयंकर तथा मुख्य का प्रमुख है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। मोहन बंबई से आया में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, अपादान, संप्रदान। मोहन बंबई से आया में कौन सा कारक है? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन सी जो है आपका अपादान कारक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है? मुहावरा, कहावत, लोकतृति या कहावत या फिर लोकतृति। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऑप्शन जो डी है आपका लोकतृति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रमाधन ईश बराबर रमेश, यह किस प्रकार की संधि है? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयाद संधि। रमाधन ईश रमेश, यह किस प्रकार की संधि है? जल्दी से आंसर दीजिए। ये हो जाएगी आपकी गुण संधि। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रमाधन ईश गुण संधि है, इसमें छोटा आ बड़ा आ के आगे है, बड़ी ई छोटी ई और बड़ी ई हो तो ए, छोटा उ बड़ा उ तो ओ से ओखली एवं री हो तो अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3, 4, 5 या 2। वित्त की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कुल 3 भेद होते हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो देखा नहीं जा सके वाक्य का एक शब्द इनमें से कौन सा है? दृश्य, अदृश्य, पारदर्शी, अपारदर्शी। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो देखा ना जा सके के लिए एक शब्द अदृश्य होता है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो संभव नहीं हो वाक्य का एक शब्द क्या होगा? जो संभव नहीं हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जो संभव नहीं हो के लिए एक शब्द होता है असंभव। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस शब्द में बहुप्रिय समास है? पंकज, कमल नयन, राजकुमार, पानी। इनमें से किस शब्द में बहुप्रिय समास है? पंकज में हो जाएगा बहुप्रिय समास। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? 3, 4, 5, 8। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में रखा जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? भरत मुनि, वामन, दंडी, मम्मट। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के कौन से शिलालेख में वराही लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? अशोक के कौन से शिलालेख में वराही लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? सारनाथ, शाहबाजगढ़ी, धौली, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो बी है आपका शाहबाजगढ़ी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? बताइए क्या आंसर होगा। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद, योग वेद। बताइए क्या आंसर होगा।
ऑप्शन जो डी है आपका योग वेद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। बलबन के राजस्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी, पहली थी सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरी सुल्तान का निरूकंशन होना आवश्यक है। ठीक है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? बताइए क्या आंसर होगा। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? ऑप्शन बी जो है आपका एक खैराती अस्पताल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का जो विलय है वर्ष 1856 ईस्वी में हुआ था, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? लियाकत अली खान, सर सैयद अली खान, मौलाना आजाद बरीउद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? ऑप्शन जो डी है आपका बरीउद्दीन तैयब जी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम बरीउद्दीन तैयब जी ने 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मद्रास अधिवेशन तीसरा की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नवसृजित उच्च न्यायालय है, नवसृजित उच्च न्यायालय है कौन सा? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, फातिमा बीबी, अन्ना चंडी, सुनंदा भंडारे। बताइए क्या आंसर होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन जो बी है आपका फातिमा बीवी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के किसी किसी क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? मैग्नीशियम की बहुतायत, संचित हायुम, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति, फास्फेट की बहुतायत। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंगलीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? फली, तरबूज, खीरा, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अंगलीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? गाइस ऑप्शन सी जो है आपका खीरा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कजाइल कुम रेगिस्तान ये कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब, उत्तरी ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। बताइए क्या आंसर होगा। कजाइल कुम रेगिस्तान ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी जो है आपका उज्बेकिस्तान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? टीन, टंगस्टन, टेंटलम, टाइटेनियम। बताइए क्या आंसर होगा, चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो चंद्रमा की सतह पर टाइटेनियम तत्व पाया जाता है, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था नरसिंह वर्मन द्वारा, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों और उनके शासित क्षेत्रों के बीच में कौन सा बेमल है? पांड बेलूर, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के कौन से शिलालेख धर्मादेश में कलिंग युद्ध की भीमतस्ता व्यक्त की गई है? 13वां शिलालेख धर्मादेश, धौली का कलिंग धर्मादेश, जौगढ़ का धर्मादेश, 10वां शिलालेख धर्मादेश। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो ए है आपका 13वां शिलालेख धर्मादेश, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन जो डी है आपका, मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था? अल बरूनी, अल राजी, अल फिरदौसी, अल मुस्तफा। बताइए क्या आंसर होगा, कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा हुआ था? अल बरूनी। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल पांच राजवंशों द्वारा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोची रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। कोची रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो ए है आपका सार्वजनिक क्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? लाल सागर, काला सागर, मृत सागर, अरब सागर। किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? ऑप्शन सी जो है आपका मृत सागर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? ऑप्शन वी जो है आपका अप्सलेशियन, अप्सलेशियन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन, भारत का निम्न जल प्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? धुआंधार प्रपात, दूध सागर प्रपात, नीखालीकाई प्रपात, लैंडसिंग प्रपात। बताइए क्या आंसर होगा, भारत के निम्न जल प्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? ऑप्शन जो बी है आपका दूध सागर प्रपात, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान, बताइए क्या आंसर होगा। सभी ऑप्शन ध्यान पूर्वक पढ़िए फिर आंसर दीजिए आप। उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान, ऑप्शन जो डी है आपका पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राजनीतिक दलों को, केंद्र सरकार को। बताइए क्या आंसर होगा, संसद को प्राप्त है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो बी है आपका पंचायती राज पद्धति, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेशनल डिफेंस अकादमी कहां पर स्थित है? माउंट आबू, हैदराबाद, खड़गवासला, नई दिल्ली। नेशनल डिफेंस अकादमी कहां पर स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन सी जो है आपका खड़गवासला, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वप्न भास वक्ता के लेखक कौन है? कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर। स्वप्न वासदत्ता के लेखक कौन है? ऑप्शन जो बी है आपका भास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था बर्मा से, थाईलैंड से, कॉम्बोडिया से, जावा सुमात्रा से। बताइए क्या आंसर होगा, ऑप्शन जो डी है आपका जावा सुमात्रा से, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिमालय का पर्वत प्रदीप प्रदेश कौन सा है? ट्रांस हिमालय, शिवालिक, वृहत हिमालय, अरावली। हिमालय का पर्वत प्रदीप प्रवेश कौन सा है? शिवालिक। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माउंट एटना
माउंट इटना क्या है? एक पर्वत, एक पर्वत शिखर, एक ज्वालामुखी, एक पठार। माउंट इटना क्या है? एक ज्वालामुखी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नहर किसको जोड़ता है ये बताना है आपको। तो पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ता है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है वर्गीकृत है। ऑप्शन जो डी है आपका अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाबार्ड उधार देता है, जल्दी से आंसर दीजिए। नाबार्ड उधार देता है कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर हुए थे? पेकिंग में, टोक्यो में, नई दिल्ली में, कोलंबो में। प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर हुए थे? तो प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मश्री से सम्मानित किस भोजपुरी लोक गायक का हाल ही में निधन हो गया? पवन सिंह, हीरा लाल यादव, विंध्य वासिनी देवी, इनमें से कोई नहीं। हीरा लाल यादव। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? चार, पांच, छह, सात। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? जल्दी से आंसर दीजिए। श्वेत प्रकाश कुल सात रंगों का मिश्रण होता है। सी वाला जो, सॉरी, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका एक उदाहरण है किसका? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला क्वेश्चन, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन सी जो है आपका प्रकाश प्रकीर्णन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। 8.3 मिनट। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण उत्सर्जित कण है, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण उत्सर्जित कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ग्रह का नाम बताइए जिसकी खोज यूरेनस के कक्ष में होने वाले विचलन के निरीक्षण द्वारा की गई है। वरुण, प्लूटो, शनि, बृहस्पति। ऑप्शन ए जो है आपका वरुण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम बताइए जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। भास्कर, आर्यभट्ट, IRS, फर्स्ट ए, इनसैट। बताइए क्या आंसर होगा। उस प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम बताइए जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हैं आप लोग। ऑप्शन बी जो है आपका आर्यभट्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा समीकरण गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान दर्शाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कांच होता है, कांच होता है, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कांच बनाने के लिए उपयोग के अनुसार कई प्रकार के कच्चे माल विभिन्न मात्राओं में मिलाकर ऊंचे ताप पर द्रवित किए जाते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? किसमें शीशे की मात्रा अधिक
पाई जाती है? ऑप्शन सी जो है आपका उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती? पोटेशियम, कैडमियम, सोडियम, लिथियम। ऑप्शन बी जो है आपका कैडमियम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है क्या है? यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, बताइए क्या आंसर होगा। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है क्या है? ऑप्शन बी जो है आपका रेडियम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है? जीनॉन, बोरॉन, ऑर्गन, कार्बन। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है? बोरॉन। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम रेडियो सक्रिय तत्व जिसकी खोज की गई? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कृत्रिम तत्व जिसका उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में होता है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्राइटेनियम और ड्यूटेरियम के सम्मिश्रण से उत्पन्न एक अक्रिय गैसीय तत्व है? नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, न्यूट्रॉन। ऑप्शन जो बी है आपका हीलियम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु संयंत्र का निर्माण सलाह योग्य नहीं है क्योंकि? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परमाणु संयंत्र से निकलने वाले परमाणु कचरे का सुरक्षित निष्पादन लगभग संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्र का असामान्य घटक है यूरिया, क्रिएटिनिन, एल्ब्यूमिन, सोडियम, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एलोसोम होते हैं, एलोसोम क्या होते हैं? एलोसोम क्या होते हैं? ऑप्शन जो डी है आपका लिंग गुणसूत्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिसमें पानी पसा तथा विभिन्न अपचय कैटाबोलिक अवशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? रक्त, त्वचा, प्लीहा, लाल ग्रंथि। ऑप्शन ए जो है आपका वक्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? कोशिकागुच्छ, प्राकृत मध्यवक्र या पश्चवक्र, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है आपका कोशिका गुच्छ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 212, 206, 202, 200। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। 206। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 565, 656, 665, 556, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका 656, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकल दाढ़ जो होती है ये आपकी तीसरी दाढ़ होती है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जानु फलक का दूसरा नाम क्या है? जानु फलक का दूसरा नाम जानविक पटेला, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे? दोगुना, आधा, तीन गुना, एक चौथाई। जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आधा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युतदर्शी का कार्य क्या है? विद्युतदर्शी का कार्य क्या है? ऑप्शन ए जो है आपका विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कांसा मिश्र धातु है तांबे और किसकी? कांसा मिश्र धातु है तांबे और, ऑप्शन ए टिन की, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है,
श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है? ऑप्शन बी जो है आपका एटीपी के रूप में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्त्रोत हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्त्रोत सोडियम व पोटेशियम के, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।